तो वही हो इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर एशियाई वुमन इटली टी10 का मैच नंबर 1 होगा जो खेला जाएगा इटली वुमन और स्पेन वुमन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो भाइयों ये जो मुकाबला है स्टार्ट होगा 12:45 पर और मैच जो है यहाँ पर सेम वेन्यू पर खेला जाएगा जहाँ पर अभी ईएसएस इटली के मैच खेल रहे थे ना वहीं पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाइयों कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इस मैच का जो भी ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर रहेगा और लास्ट मोमेंट अपडेट रहेंगी सबकी सब अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट यहीं पर आने वाली है, तो ज्वाइन होना जरूरी है। पिच रिपोर्ट में कोई ज्यादा खास बात करने की चीज है नहीं, एसीडी जिन्ना ब्रेशिया क्रिकेट क्लब पर मैच होगा और 60 से 80 के बीच में आपको वुमेन्स मैच में जनरली यहाँ पर स्कोर देखने को मिलता है। अब देखो स्पेन वुमेन की टीम की पहले बात करते हैं कि इनकी टीम का क्या बैटिंग ऑर्डर रह सकता है, क्या इनका प्लेइंग 11 रह सकता है। इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन करेंगी तशीबा मिर्जा, यहाँ से अंद्रिया डेविडसन सोलर, नवमी हिलमैन ब्रिम्बोजो, एमी ब्राउन करेरा, उस्वा सैयद, पायल चिलोंगिया, मेमुना रियाज, जुलियान जुमारोनो, यहाँ से समायर बासरत, राबिया मुश्ताक और अनीशा अजमत। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में स्टैट्स पे देखेंगे। ओपन कौन करेंगी, तसीबा मिर्जा और यहाँ से एंड्रिया डेविडसन सोलर। अब देखो जो तसीबा मिर्जा है इसके नाम अगर आप देखोगे 17 T10 में 60 ही रन है। रिसेंट फॉर्म आप देखो 2 नो बैटिंग, 16 6 नो बैटिंग, तो उतना खास रिकॉर्ड इसका नहीं है। एंड्रियान डेविडसन सोलर है, इसके नाम 13 T10 में 91 रन, 3 विकेट है 16 ओवर डाल के, 2024 में 5 में 50, 1 विकेट है 5 ओवर डाल के। तो बैटिंग भी करती है साथ के साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग भी ये करवाती हैं। रिसेंट फॉर्म 16 7 0 विकेट, 17 1 विकेट, 10 और 0 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से नवमी हिलमैन बर्मेजो जो कि एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बस हाल ही में क्या हुआ है इनके ओवर कट है, अदरवाइज ये बहुत तगड़ी ऑलराउंडर है। आप देखो 20 T10 में 517, 7 विकेट है, 2024 में 5 में 84, 3 विकेट है 6 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 42 42, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। सीबीसी की चॉइस वाली प्लेयर है। एमी ब्राउन करेरा है, ये भी बॉलिंग करवाती है और बैटिंग भी करती है, इसके नाम 2024 में 5 में 44, 3 विकेट है 8 ओवर डाल के, और ओवरऑल 20 मैच में 134 रन, 9 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 3 0 विकेट, 41 0 विकेट और 1 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से उस्वा सैयद, ये भी एक बहुत अच्छी बॉलर है। आप देखो सिर्फ 2024 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, 5 T10 में 33 रन, 6 विकेट है 9 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 33 0 विकेट, तो बहुत बढ़िया फॉर्म है। पायल चिलोंगिया है, ये भी बॉलिंग करवा सकती है, बस कभी कभी ये ना ओवर इनके कट जाते हैं। आप देखो 17 T10 में 91 12 विकेट है 31 ओवर डाल के ओवरऑल, और 2024 में 4 मैच में 2 रन, 4 विकेट है 5 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 9 बैटिंग, 2 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यहाँ से एंड्रिया डेविडसन सोलर, नवोमी हिलमैन बर्मेजो, एमी ब्राउन करेरा, उस्वा सैयद और पायल चिलोंगिया भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो पहले छह प्लेयर है इनके, इनमें से 5 प्लेयर अच्छे प्लेयर है। नेक्स्ट जो प्लेयर है मेमून रियाज है, बहुत कम बॉलिंग मिलती है, ओवरऑल 13 मैच में 2 विकेट है 4 ओवर डाल के, तो आप समझ सकते हो कि बहुत कम बॉलिंग मिलती है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 9 बैटिंग 9 बैटिंग, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट है। यहाँ से जुलिया जोमारो 6 मैच खेला है, 6 के मैच में डिड नॉट बैट है। यहाँ से सामिया बसरत 8 T10 में 38 रन, 1 विकेट है 5 ओवर डाल के, मतलब बहुत ही कम बॉलिंग मिलती है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 13 0 विकेट, 9 बैटिंग, 0 विकेट, 0 रन है। यहाँ से राबिया मुश्ताक 14 T10 में 3 विकेट है 8 ओवर डाल के, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 9 बैटिंग, 0 रन है। यहाँ से अनिशा अजमत है 11 T10 में 2 विकेट है 10 ओवर डाल के, ये भी रिस्की प्लेयर रहेंगी मेरे हिसाब से, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 9 बैटिंग, 0 विकेट, 9 बैटिंग, 0 विकेट है। तो इनकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो यहाँ पर 5 प्लेयर जो थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, यहाँ पर देखो मारिया जोमरानो है जिनके नाम 8 T10 में 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। यहाँ से ससिकिया और लूसिया का मेरे को रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए ए ब्राउन करेरा, उस्वा सैयद, डेथ में आनी चाहिए नवोमी हेलमैन बर्मेजो और पायल चिलोंगिया। अब बात हो चुकी है तो स्पेन की टीम की, अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि इटली की टीम की, कि इनकी टीम का क्या प्लेइंग 11 रह सकता है और क्या इनका बैटिंग ऑर्डर रह सकता है। तो इनकी तरफ से ओपन करने चाहिए यहाँ से मिथनारा रत्नायके, उनके साथ में आने चाहिए दिलाईशा ननायकरा, यहाँ से रेजिना सुदाजाई, इनके अलावा इमिला बर्तनम,
कुमुदु फेडरिक, यहाँ से चतुरिका महामलगे, इनके अलावा इशारा जया मनगे, इनके अलावा किरणदीप कौर, गायत्री भतगोड़ा, यहाँ से पसिंदी कनकगे और निमेश एकनायिका। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में स्टार्ट्स भी देखेंगे। तो ओपन कौन करेंगी, यहाँ से मैतनारा रत्नायिका और दिलाईशा ननायकरा। अब देखो मैतनारा रत्नायिका जो है ना, ये बहुत अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से। 17 T10 में 411 34 का एवरेज है, फॉर्म देख सकते हो 61 30 1 19, बहुत तगड़ी फॉर्म है, सीधे सीधे आपकी टीम में ये प्लेयर होनी चाहिए। यहाँ से आएंगे दिलाईशा ननायकरा जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करती है। 15 T10 में 190 रन, 6 विकेट है 23 ओवर डाल के। T20 इंटरनेशनल में 24 मैच में 142, 15 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 28 जीरो विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 0 विकेट, 31 0 विकेट है। यहाँ से रेजिना सुदाज आई है, 16 T10 में 117 रन, 15 विकेट है 27 ओवर डाल के। T20 में 11 मैच में 89, 8 विकेट है, ये बहुत अच्छी बॉलर है ये। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 9 बैटिंग, 4 2 विकेट और 0 विकेट है। आएंगे ऐसे इमिलिया बर्तनम, ये भी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें दे सकती है। इनके नाम 16 T10 में 169, 12 विकेट है 26 ओवर डाल के। T20 में 15 मैच में 214, 9 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 0 विकेट, 12 2 विकेट, 9 बैटिंग, 2 रन, 2 विकेट और 2 1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे कुमुदु फेडरिक, 16 T10 में 8 विकेट, 21 ओवर डाल के। T20 में 25 मैच में 23 विकेट है। T10 में अब तक उतनी खास बॉलिंग नहीं हुई है इनकी, हालांकि इंटरनेशनल T20 में अच्छा किया है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 0 विकेट, 1 विकेट, 16 1 विकेट, 0 विकेट। यहाँ से चतुरिका महामलगे हैं, 17 T10 में 111, 11 विकेट है 23 ओवर डाल के। T20 में 20 मैच में 357, 17 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 14 एक विकेट, 14 25 एक विकेट, 10 जीरो विकेट है। तो यहां से जो इनके पहले 6 प्लेयर ना, 6 के 6 प्लेयर ऐसे जो कि आपकी टीम में सीधे सीधे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर है, यहाँ से इशारा है जिनके नाम 4 मैच में डिड नॉट बैट है। करणदीप कौर 3 T10 में 1 विकेट है 4 ओवर डाल के। T20 इंटरनेशनल में भी 7 मैच में 0 विकेट, तो कोई खास रिकॉर्ड इसका है नहीं। गायत्री बतगोड़ा है, 4 मैच में 3 रन है, T20 में 17 मैच में 65 रन, कोई खास इनका फॉर्म है नहीं। यहाँ से पसिंदी कनकगे 16 T10 में 2 विकेट है, मात्र 15 ओवर डाले इन्होंने, और देखो मतलब बॉलिंग इनकी कटती है बहुत ज्यादा। रिसेंट फॉर्म 2 नो बैटिंग, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। निमेशा एकनायिका 13 मैच में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म कुछ खास इनका भी नहीं है। यहाँ से केवल पसिंदी कनकगे एक ऐसी प्लेयर है जिसको आप रिस्क ले रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी कोई खास प्लेयर है नहीं। बेंच पर जो है, यहाँ से इलीना सिम्स है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 14 1 विकेट, 15 1 विकेट है। फिर यहाँ पर आएंगी सेदिली मलवत्ता, इनके नाम 8 T10 में 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग, 0 विकेट, 0 विकेट, 6 रन, 9 विकेट है। यहाँ से हिमांशी दलवत्ता है, 9 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 9 बैटिंग, 11 0 विकेट, 0 2 विकेट है। बाकी यहाँ पर देखो इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए ई बर्तनम, आर सुदाजाई डेथ में आनी चाहिए ई बर्तनम बर्तरम, इनके अलावा के पेड्रिक। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इन मैचेस में ना बैटिंग ऑर्डर जो आएगा वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है एम रत्नायका, यहाँ से मैंने रखा है ए डेविडसन सोलर, यहाँ से अगर आप देखोगे सी महामाएगा, एन हिलमेन जॉर्ज, यहाँ से ई बर्तरम, ए ब्राउन करेरा, उस्वा सैयद, डी ननायकरा, के पेड्रिक, यहाँ से पी चिलोंगिया और आर सुदाजाई। कैप्टन मेरी यहाँ पर रहेंगे अभी के लिए एन हिलमेन जॉर्ज और यहाँ से ई बर्तरम मेरी VC है। बाकी फाइनल टीम और लास्ट मोमेंट अपडेट मिलेगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।